फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के सामने एक थ्रेड का ये लेकर आई हूँ। देखो धागा बहुत ही अच्छा है ये वाला। पहले मैं दूसरा वाला यूज करती थी, अभी मैं ये वाला यूज करने लगी हूँ। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए, बिल्कुल ही मैं आईब्रो का शेप इस टाइप का दूंगी। ये देखिए, बहुत ही ग्रीन कलर का है। ये वैसे भी बहुत मजबूत और अच्छा रहता है ये वाला। अभी मैं ये वाले से क्या होता है कि मतलब आईब्रो हम जैसे किसी की हम आईब्रो बना रहे हैं उसमें ज्यादा इस धागे से बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है ये वाला। और दूसरों की आईब्रो हम कैसे बनाएंगे और कैसे धागा चलाएंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इस वीडियो को देखना ना भूलें, ऐसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप घर में बैठे बैठे भी आप दूसरों का धागा कैसे चलाते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, और करके भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, और शेप भी बताऊंगी कैसे किया जाता है। घर में बैठे भी आप 15 दिन और एक महीने रोज डेली आप इसको आधा घंटा और एक घंटा आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट बिल्कुल भी आईब्रो आप घर में बैठे बैठे सीख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग ही लेनी है। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को सिखा भी रहे हैं ये, और मेरे वाले चैनल में आप, मैं पूरा पार्लर भी इसमें सिखा रही हूँ आपको। अभी मैं आईब्रो मैंने पहले भी करी थी और मैं अभी और लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, ये वाला है। और इसको आपको क्या करना है, मुंह में डालना है, बिल्कुल जाड़ के दांतों में आप लोगों को यहाँ पर डाल के इसको टाइट करके आपको दबा लेना है इस वाले को। और इसको फिर आपको क्या करना है, दाएं हाथ की आपको तीन उंगलियों को लेकर आपको ऐसे करके घुमाना है। अंदर की साइड नहीं घुमाना है, बाहर की साइड में घुमाना है। ये देखिए, 1, 2, 3, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार लेना है। मैंने अभी 3 बार ही लिया है। ये देखो, मैं दोबारा बताऊंगी, 1, 2, 3। तो उसके बाद हमें बाएं हाथ की ये दोनों उंगलियों को आपको 3 से 4 बल देने हैं, 1, 2, 3 या 4। और ये अंगूठा आपको इसके ऊपर रखना है और धागे को बिल्कुल उंगलियों के अंदर ही आपको रखना है। और उसके बाद आप ऐसे से करके आप चलाइए। पहले आप 4 उंगली भी डाल सकते हो, जैसे आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो आप 5 की 5 उंगलियां पूरी ही डाल सकते हो। ये देखिए, मैं पूरा ही डाल रही हूँ। जैसे आपको पहले नहीं आता चलाना, आप पूरी ही उंगलियों को आप धागे के अंदर डालिए, ऐसे करके डालिए, और ऐसे करके ही आप चला पाओगे। ऐसे करके नहीं चला पाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे जैसे आपको धागा चला लोगे। अभी आप करिए, ऐसे करके चलाइए। ये देखिए, अभी मैं छोटा धागा लेकर आपको बता रही हूँ, फिर इसी में हमें लंबे धागे में भी चलाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए। मेरे चैनल में देखना, मैं पूरा ही पार्लर आपको उसी में ही सिखाती हूँ। मैंने पहले भी आईब्रो आपको सिखाई हुई है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। इस धागे को ऐसे करते हुए भी रोज डेली आप आधा घंटा आप चलाओगे, चलते चलते टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते भी आप धागा चलाओगे तो आपको आराम से ही आ जाएगा। आप आजकल तो बहुत ही अच्छा सिस्टम आ गया कि आप घर में बैठे बैठे भी धागा चलाना सीख सकते हो। पहले के टाइम पे नहीं होता था तो हम लोगों को पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ा था इसका। मैंने तो पूरा 1 साल का डिप्लोमा लिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने ये छोटे हुए धागे में करा था, अभी मैं लंबे धागे में आपको बताऊंगी। ये देखिए, अभी हम इतना लंबा धागा ले रहे हैं और इसको 3 से 4 बार आपको बल देना है। ये दे रही हूँ, 3 से 4 बार हमने दे दिया है। और इसको भी आप 2 से 3 बार आप लपेटोगे। फिर इसके बाद जो ये वाला थंब वाला अंगूठा है, इसको धागे के सपोर्ट में रखना और रील को अंदर डाल के पूरी मुट्ठी के अंदर बंद करना है और इसको करना है। और हमें लंबा धागा चलाना है कि हम आईब्रो जब किसी की बनाएंगे तो छोटे धागे से नहीं बनाते, थोड़ा सा दूर के हट के बनाना पड़ता है कि दोनों की सांसें एक साथ ना टकराएं, इसलिए हमें दूर धागा लेना पड़ता है, ऐसे करके चलाना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट आपको बताऊंगी कि हवा में धागा कैसे चलाते हैं, इसके बारे में बताऊंगी।
और बिल्कुल धागे में आवाज आनी चाहिए। जैसे आप लोग शुरू शुरू में चलाओगे तो आपके धागे में आवाज नहीं आएगी। जैसे आपको धागा चलाना आ गया है, फिर आपको क्या करना है, ये तीन उंगलियां डालनी है। ये देखिए, एक दो तीन, हमने तीन उंगलियां डाली है। ये देखिए तीन डाली है और इसको ऐसे चलाएंगे और पूरा मुंह तक लाइए, फिर बाहर को खींचिए, मुंह में लाना है, बाहर को खींचना है, मुंह में लाना है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे ही आएगा। आपको ऐसे करके चलाना पड़ेगा शुरू में और धीरे धीरे आपको खींचना पड़ेगा। फिर उंगलियों को आपको पूरा खोलना है, फिर बंद करना है, पूरा खोलना है, बंद करना है, पूरा आपको खोलना है, बंद करना है। और जैसे आप फास्ट करोगे तो इस टाइप से आपको आएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले आपको ऐसे नहीं आ पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमारा जैसा धागा चलाने लग जाओगे। ये देखिए, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब मैं आपको थर्ड स्टेप बता रही हूँ, जो हवा में कैसे धागा चलाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही धागा पक्का रहता है। जो दूसरा वाला हम पिंक वाला करते हैं तो धागा बहुत ज्यादा टूटता है, और ये ज्यादा टूटता नहीं है धागा, इसलिए मैं अभी ग्रीन वाला ही धागा लेकर आई हूँ। ये देखिए, अभी मैं हवा में धागा कैसे चलाते हैं। आपको तीन से चार बार बंद देना है, एक दो तीन चार। अब मैं हवा में चला रही हूँ, ऐसे करके चलाना है आपको हवा में। ये देखिए, और आवाज कैसी आ रही है। जब तक आपकी ऐसे करके आवाज नहीं आएगी अब तो आपको धागा चलाना नहीं आएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, फिर मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैं पूरा पार्लर आपको ए टू जेड इसी पे ही मैं आपके अपने चैनल में दिखाऊंगी। आप रोज डेली मेरा चैनल देखिए और कमेंट भी करिए, और जो नए नए इसमें मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं तो मुझे फॉलो भी करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये देखिए, हम हवा में ही धागा चला रहे हैं। जब आपको हवा में धागा चलाना आ जाएगा तो आप समझो कि आपको आईब्रो बनानी आ गई है, आधे से ज्यादा आपको इसी में ही आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फोर्थ स्टेप शुरू हो, खत्म हो गया है। अब मैं आपको फाइव स्टेप बता रही हूँ कि हम जैसे कि हमें बाल निकालने आ गए हैं, जैसे धागा अच्छा चलाने आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कपड़ों में हमारे रुए हो रहे हैं हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ये है, अब हम टांग के ऊपर टांग रख लेंगे। जैसे आपके किसी चीज में आपके रुए आ रहे हैं तो आप इसमें इसमें घुटने में या कहीं पर भी आप चला सकते हो, तीन से चार बार आप बल दे सकते हो। ये देखिए, एक दो तीन चार, इसको भी बल देने के बाद, अंगूठे से ऐसे करने के बाद, यहाँ आप इसको दोनों धागों को आपको बिल्कुल टाइट रखना है, यहाँ पर रखना है ऐसे करके, और मुंह से आपको खींचना है। ये देखिए, हमने ऐसा टच करा है, दोनों उंगलियां यहाँ करिए और अंगूठा हमने सपोर्ट लिया है और मुंह से हमें खींचना है। ये देखिए, आप तो आराम से ऐसे करके चलाओगे कि हम लोगों को आता है तो हम फास्ट करके चलाते हैं ऐसे। ये देखिए, हमें धागा अच्छे से चलाना आता तो हमसे एक से या दो मिनट भी हम आईब्रो बनाने में नहीं लगाते हैं। हम तो एक मिनट के अंदर अंदर ही आईब्रो हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये वाली। उस समय से देखिए, अभी एक बार हमारा धागा टूटा है, नहीं तो ये धागा भी हमारा नहीं टूटता। तो थोड़ा सा मैंने ताकत लगाया था इसलिए हमारा धागा टूट गया है, और मैं थोड़ा सा और आराम से चल जाती तो बिल्कुल धागा नहीं टूटता हमारा। ये देखिए, यहाँ पर आराम से ऐसे रखिए। हम तो एक मिनट भी आईब्रो बनाने में नहीं लगाते, बहुत फास्ट आईब्रो बनाते हैं। और जब आप लोग चलाओगे तो आपको टाइट करके ऐसे रखने के बाद मुंह से आपको ऐसे खींचना है, दाएं तरफ को आपको खींचना पड़ेगा, बाईं तरफ को नहीं खींचना पड़ेगा। जैसे हमारा दायां हाथ ये है और बायां हाथ सपोर्ट इसमें रखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दाएं तरफ आपको ऐसे करके खींचना है। ये देखिए, ये आपको तो आराम से ही शुरू शुरू में आपको खींचना पड़ेगा। जब हम लोग सीखते थे तो हम लोग भी ऐसे ही चलाते थे। ये देखिए, ये, और इसी तरह आपको चारों तरफ हाथ को घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, फिर यहां से ऐसे करके घुमाना पड़ेगा इधर को, फिर बाएं तरफ को हमें घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, हम बाएं तरफ को घुमा रहे हैं, इसी तरह हम दाएं तरफ को घुमा रहे हैं। जब हमको हाथों को भी चारों तरफ हमारे को घुमाना आ जाएगा
इससे भी हमें आईब्रो बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद पड़ती है। ये देखिए, ये हमें आ गया है। आप धीरे 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 आप इसको ऐसे करके चलाइए, आराम से इस तरह से ऐसे खींचिए, ये देखिए। और दाएं तरफ को आपको आराम से ऐसे करके खींचना है। जब आपको आ जाएगा, रोज डेली आपको आधे से एक घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आपको फिर मेरे जैसे फिर इतना फास्ट आप चलाने लग जाएंगे। ये देखिए, जैसे आपके पैरों में बाल नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे कपड़ों में आपके रुए हैं और आप बैठे हुए यहाँ पर अपना टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते भी आप धागा चला सकते हो। ये देखिए, हम धागा चला रहे कहीं पर भी टेबल में, ये देखिए कहीं पर भी हम धागा चला सकते हैं जब हमें धागा आ जाएगा। ये देखिए, ये अब मैं उसके बाद अभी पैरों में भी आपको बताऊंगी कि धागा पैरों में कैसे करके चलाते हैं। ये देखिए, अभी मैं चला रही हूँ इसको, हम पैरों को यहाँ पर हम लोग रख लेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको पैर इसने में रख ले रही हूँ, यहाँ पर हमने रख लिया है। हम यहीं पर से हम थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे इस जगह में। ये हमने पाउडर हम इसलिए लगा लेते हैं कि थोड़ा हमारा पैर ड्राई हो जाए, जैसे गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा वो ऑयली हो जाता है, तो इसको हम ड्राई करने के लिए। अभी सर्दी है तो हमारा ड्राई तो ऐसे भी है, फिर भी मैंने इसमें हल्का सा पाउडर लगा लिया है। उसके बाद आप कैसे करिए, इसको पकड़ने के बाद, यहाँ रखने के बाद मुंह से दाईं तरफ आपको आराम से पकड़ कर ऐसे रखना है, इसको पकड़ के हल्के से हाथों से ऐसे खींच लेना है। ये देखिए, जब रोज डेली आप आधा आधा घंटा भी धागा आप चलाओगे तो आपको आराम से आईब्रो बनानी आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए हमारा, फिर इधर से आप बाएं हाथ को और दाएं हाथ को घुमा लीजिए। ये हमने घुमाया है, इस साइड को लेके आना है। ये देखिए, ये देखिए, और जब फास्ट आप चलाओगे तो ऐसे करके आपको आने लग जाएगा। ये देखिए, और धागा चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप लोगों को आ जाएगा तो बहुत ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। ये देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल ही अभी हमने धागा आपको चलाना बताया है, और नेक्स्ट बार में मैं आपको कैसे शेप देते हैं और कैसे शेप देंगे हम, और पॉइंट वाली या गोल या किसी आकार की, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप घर में बैठे बैठे भी रोज डेली आप आधा आधा घंटा भी धागा चलाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपको आईब्रो बनानी आ जाएगी।